गाइस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नोट्स बना दिया सर, भेजो मेरे को फिर। सर मैं अपनी कॉपी लेकर सर मेरे सर मेरे मेरे को एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी नोट्स से रिलेटेड। सर क्या है ना सर, आपकी एनर्जी थोड़ी समझ नहीं आ रही तो सर मेरे को नोट्स लिखने। वीडियो देखो, वीडियो देखो, जो भी मैं बोलता हूँ वो लिखता हूँ, जो भी लिखता हूँ वही बोलता हूँ। वीडियो देखो ओके सर, जल्दी जल्दी लिखते ना तो कभी कभी सर से मेरी मम्मा बोलती है कि वीडियो का देखते हो फिर क्लास में ध्यान नहीं देते क्या? नहीं नहीं बोलो बोलो, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे सर ने बताए हैं कई बार, तो वो अच्छा होता है रिवीजन के लिए। वीडियो देख और देखना सर एक और चाहिए। बात बतानी थी और दूसरी बात क्या कि है, और दूसरी बात क्या, सुनो, एक बुक को ऐसा तो थोड़ी कि हम एक चैप्टर एक ही बार पढ़ते हैं, पूरे साल में बार बार पढ़ते हैं रिविजन के। सर सर हमारे जो टेस्ट और आरटीज में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं और आप इतने घुमा फिरा के नहीं देते तो उसमें हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो बेटा गुड तुम मेरे को इवनिंग बोलो, मैं तुम्हें आर एस अग्रवाल से देता हूँ ना क्वेश्चन, अरे यार सर आर एस और तुम मेरे अग्रवाल से की मतलब पूछो। हिंदी समझ नहीं आता प्रियांश उसका। देखो, थोड़ी जिम्मेवारी आपकी भी बनेगी। मैं तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन देखूंगा सारे घूम जाएंगे फिर, मैं नहीं चाहता सब घूमे। अगर तुम्हें लगता है कि इजी क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं तो मेरे से डिफिकल्ट क्वेश्चन मांगो, उनको करो। अगर नहीं होते तो मेरे को बोलो, सर ये नहीं आया मेरे को ये बता दो। दिस इज हाउ इट वर्क्स प्रियांश, ओके सर ओके। अब मैं खाना बना रहा हूँ, खाने के अंदर मिर्ची डाल दू तेज, तू तो खुश हो जाएगा, बाकी लोग गए सर ये क्या कर दिया। तो मैं क्या बोलता हूँ, खाना ये रहा तुम्हारा, मिर्ची साइड में रखी हुई है, ले लो जितनी डालनी डाल लो। ओके भाई सर एक और चीज है मेरे को बतानी थी सर। सॉरी बताइए क्या सर आप ये सुन के इरिटेट हो जाते हो। हो गया। सॉरी सर अगर आप सुन के इस चीज को इरिटेट हो जाते हो। ओके सर क्या है ना सर, आपने ये जो चैप्टर 4 to चैप्टर 10 है सर उसके नोट्स भी सर एक बार आपने गलत भेज दिए। सर गलत मैंने वो लिस्ट मतलब भेजी हुई सर, आप उन लिस्ट में से नोट्स दे दीजिए सर, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स है ना फ्रैक्शन डेसिमल और इंटीजर्स को छोड़ के बाकी सर कोई तो भी चैप्टर चैप्टर, लिस्ट हाँ तो चैप्टर के नाम भेज दे फिर मेरे को, नंबर मत भेज, ना पहले सर मेरे मैंने नेम से नाम बता। भेजे हुए हैं, मैं सर मैंने नाम भेजे हुए स्क्रीनशॉट के अरे साथ। टाइप करके भेज दे चाचा, टाइप करके। जब मैं तेरे को इतने ओके नोट्स सर भेज का एफर्ट लगाऊंगा तो इतना एफर्ट तो लगा ले, कम से कम चैप्टर का नाम तो टाइप कर दे। सर वो स्क्रीनशॉट है उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में कौन से कौन से चैप्टर नहीं है। भाई, जो तुम टाइप टाइप कर करके दे भेजो मेरे सर, को, जो सिंपल सी चीज बोली है। नहीं तो मैं नहीं भेजूंगा। ओके सर मैं टाइप कर दूंगा। ओके राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओके दोस्तों, कल वाला जो रिवीजन था थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ थोड़ा सा, ओके कल वाले ओके नोट्स को ही यूज करके, कल के नोट्स को यूज करके। ओके सर हाँ तो वैसे आपने चार चार वो पन्ने वाला नोट्स भेजा आपने 4 पेजेस किस चीज वाला, का, तो किस चीज चैप्टर का, भी छोटा है कौन सा वाला एक्सपोनेंट पावर तो चैप्टर बहुत छोटा है। बेटा, वो मैंने कंप्रेस करके तुम लोगों को सिखा दिया छोटे में, नहीं तो जो बुक्स तो बड़ा लंबा करती है उसको। सर अरे सर स्कूल इतना लंबा चौड़ा खींचा था मैम ने तो हाँ, मैं तो करवाया था और तुम लोग बिलीव करोगे, तुम्हारे नोट से ही मैंने अगली क्लास 8th वालों की थी, उनका यही चल रहा था, उनको इसी से पढ़ा दिया मैंने। तुम देख लो मैंने ऊपर चेंज कर दिया है क्लास का नाम, क्लास का नाम चेंज है, देखो 8th हो गया क्लास का नाम, सेम रूल्स आर देयर, देख लुक लुक एट दिस क्लास 8th। और तुम वाह। लोगों को ध्यान है यही पढ़ा था तुम लोगों ने भी, एग्जैक्टली हाँ सर सर यही तो हमने बताओ पढ़ा था। हाँ, वो ये क्लास 8th का भी वही है, थोड़ा सा ज्यादा हमसे। यस ओके चलो सर एक एक करके बातें करते हैं। ओके राइट, वेदांग इज देयर, वेदांग वेदांग इज मिसिंग। भाई, एक बार श्रेयांश बता दे कौन कौन है वेदांग मिसिंग, मिसिंग इन एक्शन एक्सेप्ट वेदांग, एनीबडी एल्स। वेदांग नो ओके बाकी सिद्धार्थ इज सब है देयर एंड सर। राघव, वेयर इज वेदांग माय फ्रेंड राघव। सर सिद्धार्थ राघव दोनों है सुन ठीक सर। है, आया मेरा ठीक है चलो शुरू सर करते हैं। राघव उमर बाद में मत भाई ध्यान मेरा देना प्लीज, फॉर गॉड सेक। शुरू करते हैं। ओके दोस्तों देखो, पहला रूल, रूल नंबर 1 एक्सपोनेंट पावर का पहला रूल, एनीथिंग पावर 0 इज 1। अब तुम लोगों को ये बात नहीं बताई थी लेकिन 8th वालों को बतानी पड़ी कि सर। 0 की एनीथिंग पावर 0 पावर अब तक वन इज इक्वल डिफाइन टू नहीं हुई है। सर, जिनके भी वीडियो आना सबने वर्चुअल बैकग्राउंड लगा रखे हैं। कोई बात नहीं यार, तो यार श्रेया क्योंकि जब तू ना यहाँ पे साल यहाँ शादी का माहौल हो रखा है, पंडित जी पंडित पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, तू ना वहां पे अपना कुछ और ही नया नया सिस्टम शुरू कर दिया। सर वेदांग बॉडी क्लास ज्वाइन सर करो जल्दी, हेलो लापरवाही की शादी है बच जाइए यार। जल्दी कर जल्दी है, इधर शादी पंडित जी पढ़ रहे, तूने अपना राग लापना शुरू कर दिया कि यार ये भटूरे के अंदर नमक ज्यादा था, छोलों के अंदर मिर्ची ज्यादा थी, ये सब क्या होता है। काम की बात चल रही उसकी बात करो। एक्सेल में सर आया हुआ डाउट सर श्रेयस ओके श्रेयस वेट करो एक मिनट सर, नंबर टू द दोस्तों, पावर वन इज इक्वल टू श्रेयस हाफ। अरे हे भगवान, ये लड़के को क्या हो गया, तुम इंडिया तुम अर्थ की भाषा भी भूल गए हो। वेट करने का मतलब होता है
शांति रखें, धैर्य रखें, आपके पास हम आएंगे, इंतजार करिए, इंतजार करिए, आप कतार में। ओके सुनो भाई, सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं, सुन लो ध्यान से। एनीथिंग पावर रेज टू जीरो, एनीथिंग रेज टू एनी बेस रेज टू पावर जीरो इज वन, एक्सेप्ट जीरो रेज टू पावर जीरो, वो डिफाइन नहीं हुई अब तक। ओके श्रेयस, मनोज प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Any number to the power 1 is equal to how? Any number power, क्या बोले दोबारा? The power 1. That number is number itself. Number itself. उसको लिखते ही number. Number itself. The number itself. And the power 0, it's 0. हाँ, if power is 0, then it is, value is 1. And when is 1, then it also is 1. Say again. Sir, if it is 1, then it is also 1. What is the base? Sir, 1. तो बेस इज वन, पावर इज वन, द नंबर इज वन, द बेस इज वन, एनी नंबर सर, बेस इज वन, बेस इज वन, नंबर इज सेवन। यार तू पहले डिसाइड कर ले सर, इफ द बेस इज सेवन एंड पावर वन, इट इज इक्वल टू सेवन एंड सर पावर जीरो, सेवन रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ओके सर अंडरस्टूड। हाय वेदांत, गुड इवनिंग। ओके गाइस, हम थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, सब लोग ध्यान दो प्लीज, एवरीबॉडी पे अटेंशन, वी आर जस्ट डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिवीजन नाउ। अगर कोई बोलता है कि रेसिप्रोकल कर रहा है आपको एक नंबर का, आप क्या करें, उसका बस पावर को माइनस कर दें। सो सपोज 7 बेस और पावर 1 में तो 0 आएगा, सॉरी पावर 0। यार 0 क्यों आएगा, यही तो बता रहा हूं तुम ना सुरेश, सिद्धांत हो सकता ध्यान नहीं देता, तो वहां पे तू बात कुछ और चल रही, तू शुरू और कर देता, फिर बाद में तेरे को डाउट पड़ते हैं यार, ध्यान देना। चैप्टर कौन सा है यार, ये 13 ना? यस सर, यस 13। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। दोस्तों मैं एक बार फिर से इस कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूँ, फाइनली फाइनली। देखो, इफ लेट्स से देयर इज अ बेस 7 एंड पावर इज 0, इट इज इक्वल टू 1, बट बेस इज 7, पावर इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 7। श्रेयस मनोज क्लियर, श्रेयस क्लियर? यस सर, 101% क्लियर। अच्छा सर, 101%। वेट 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 वेट, किसको समझ नहीं आया? अनुभव क्वाइट, किसको समझ नहीं आया दोस्तों? वेदांत, क्या नहीं समझ में आया आपको? क्या नहीं समझ में आया, क्या समझाया मैंने अभी सर? वही तो समझ नहीं आया। तो या आइदर यू से सर मेरे से मिस हो गया, कुछ तो समझ आया होगा। मैं क्या है, द रूल इज एनी नंबर रेज टू पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन, चाहे वो नंबर 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, चाहे 1 हो, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, ए रेज टू पावर 0 इज 1, 3 रेज टू पावर 0 इज 1, 1 रेज टू पावर 0 इज 1, एवरीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। अंडरस्टूड नाउ विदान? Yes, sir. Anything raised to power 1 is the number itself. Number itself. Okay? और 1 को तो हम लिखते भी नहीं है पावर, यहां बस ऐसे लिख देते, बस लिखते नहीं। एंड तीसरा है रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर पूछा, कोई पूछे मेरे से रेसिप्रोकल, भले व्हाट इज द रेसिप्रोकल, सो रेसिप्रोकल ऑफ 4 raised to power 5 is equal to what? आंसर 4 raised to power minus 5। अब कहा है मेरा दोस्त राघव, क्लियर? सिद्धार्थ क्लियर? रेसिप्रोकल का मतलब पावर को माइनस कर दो। अनुभव क्लियर? यशस्वी योग्य? सर यानी पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, बस उसमें माइनस, बस पावर को चेंज कर दो, पावर को माइनस, पावर ही जीरो होगा और जो सॉरी मतलब जो बेस होगा वो जीरो होगा, पावर 7 होगी, तब क्या आंसर हो सकता है? जीरो रेज टू पावर एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, सो जीरो रेज टू पावर एनी नंबर। सर ये तो खुद पता चल जाएगा क्योंकि जीरो को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही तो आना, जीरो ही आएगा सर। लेकिन आपकी बात तो एक मिनट यार, अनुभव तो सुनता तो है नहीं ध्यान से, मैंने बोलता जीरो रेज टू पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड। वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, योग्या का चक्कर लगने वाला है आगरा,
तेरा काम हो जाएगा भाई, तू टेंशन ना ले। तेरा पीके तो मैं डर जाती हूँ। सब दवाई के लिए 20 रुपए लेके, 20 रुपए की दवाई से मुझे 100 रुपए लेके हो। तुम 20 रुपए की दवाई खाओगे, इतना लेवल डाउन हो गया तुम्हारा। 20 रुपए की दवाई खाओगे पुड़िया, 20 रुपए की पुड़िया। ओके स्टॉप स्टॉप, पुड़िया इज अ कोलोन ऑफ ड्रग्स। आज ओए एवरीबॉडी क्वाइट। सिद्धार्थ क्या सर, अगर रोकल में बेस 7 है और पावर 0 है तो क्या होएगा? नहीं ऐसा रेसिप्रोकल कोई नहीं पूछने का तुमसे, वो तो है ही 1 यार, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, सिंपल। ओके सर। ओके या राइट गाइस, तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं, एक एक रूल को करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन में से आने। सर आप एक मिनट प्लीज रुक जाओ। मैं कौन सा चल रहा हूँ, मैं तो बैठा हुआ, रुका हुआ अपनी जगह। नहीं सर, अपने सगरवाल से दे देना। छोड़ दो भाई, मैं छोड़ दो, मेरे को पता है, मैं आई एम स्मार्ट एनफ टू नो दैट कौन सी बुक से लेना। ओके राइट गाइस, नाउ लेट अस गो अहेड, लेट्स गो अहेड। ओके आई एम प्रेजेंटिंग नाउ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट गाइस। देखो मजाक मत करो ज्यादा, अभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बहुत तुम्हारा दिमाग घुमा देगा, अब मैं समझाना, समझ लो प्लीज, ये रिपीटेशन हो रहा है वीडियो में। अच्छा अब बोला कि अगर दो नंबर हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, वो बोलता है इसका रेसिप्रोकल निकालो। आपको काम क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, बस पावर माइनस कर देना, बस पावर माइनस कर देना। सर फ्रैक्शन है तो बस पावर में पावर माइनस करना है। तो अगर एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ज्वाइन हो रही हो, प्लीज आप अंदर ले लो। अच्छा भाई जल्दी करो, तुम डुंग की आवाज आनी चाहिए मेरे को। आओ जल्दी आओ, नाउ ओके गाइस पे अटेंशन नाउ प्लीज। सी ए अपॉन बी रेज टू पावर एम है, मुझे रेसिप्रोकल नहीं चाहिए, रेसिप्रोकल नहीं चाहिए। वो बोला कि बस मेरे को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दो, इसी नंबर को रखो, सेम नंबर होना चाहिए। मैं बोलूंगा हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अप करूंगा तो मेरा ये माइनस हो जाएगा। लेकिन लेकिन ये तो सेम नंबर है। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो। हां थैंक यू। सेम नंबर, ये सेम नंबर है दोस्तों, ध्यान रखना ये सेम नंबर है। अब मैं बात करूंगा रेसिप्रोकल किसके बाद। राघव सुन ले, दिमाग की दही करने वाले चैप्टर है पूरा ये। -8 ये इक्वल है दोनों, इक्वल। लेकिन अब बात करूंगा रेसिप्रोकल की, देखो A अपॉन B, सो रेसिप्रोकल ऑफ A अपॉन B रेज टू पावर M इज इक्वल टू A अपॉन B ओनली बट पावर माइनस। एग्जाम्पल देखो, अब हमने इसको तो चेंज नहीं किया, बस पाइन ऑफ, मैंने क्या बताया, रेसिप्रोकल हमेशा पावर को माइनस करते हैं सर। अब जब क्वेश्चन करेंगे अच्छे से आ जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। सो रेसिप्रोकल ऑफ 4/7 रेज टू पावर 8 इज 4/7 लेकिन पावर माइनस, बस माइनस है। अगर इक्वल नंबर चाहिए तो, और इसको माइनस करा तो इसको पलटना पड़ेगा, दो चेंज करने पड़ेंगे, यानी यू कैन से दो बार माइनस माइनस कर लो, दो बार उसको चक्कर को घुमाना पड़ेगा तो सेम नंबर आ जाएगा आपके पास। लेकिन अगर आपने सिर्फ पावर माइनस की, इसको छेड़ा नहीं, तो ये रेसिप्रोकल है। यशस्वी यू गेटिंग इट? उमर समझ आ रहा है? चलो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, कोई बात। ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। मुझे एक चीज समझ नहीं आई सर, आपको आपने जो पहले वाला किया ना ऊपर वाला, जब 4/7 पावर इज 8 इक्वल टू 7/4 माइनस 8 पावर, तो आफ्टर दैट ये नीचे वाला स्टेप था वो कोई समझ नहीं, आपको 5 कैसे मिला? कौन सा वाला लिया? तो 5 आपको आंसर कैसे मिला? 5 5 कहां है? 5 तो कहीं लिखा ही नहीं।
सर आपने बोर्ड पे नीचे 4/5 नहीं लिखा? 4/7 है। एक्सक्यूज मी सर, आई एम श्रेयस। तो 5 लग रहा है। चलो शेख माहौल कर। सर ये 4/5 लग रहा है वाले नीचे वाले का बोल रहा है। वो इसलिए लग रहा है तुम्हें क्योंकि यहाँ डंडा है ना, ये डंडा, ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, अब नहीं लगेगा। हाँ सर अब ठीक है। ओके श्रेयस गो अहेड। सर जो चैप्टर मेरे को अपने सिलेबस के लिए चाहिए थे मैंने आपको भेज दिए रिवीजन बुक। वो तो तुम्हें क्लास के बाद भेजने चाहिए थे। इसका मतलब तुम यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्लास? नो सर आई एम फोकसिंग, बट सर क्या है ना मेरे को थोड़ा डर लग रहा। भाई सुन एक मिनट बाद मेरी बात सुन श्रेयस। श्रेयस एक बंदा नॉर्मल हेल्दी पर्सन जिसकी आई साइट ठीक है वो एक ही जगह फोकस कर सकता है। कुछ लोग होते हैं उनको बोलते हैं लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, उनकी एक आंख इधर देखती है एक आंख इधर देती है। हिंदी में शायद उनको क्या कहते हैं सिद्धार्थ? हॉर्स की तरह भेंगे को। हाँ भेंग, बोलता भेंगा है भेंगा। भेंगे एक आंख इधर देखती है एक आंख इधर देखती है, उनको बोलते हैं लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। बट एक हेल्दी पर्सन का फोकस भाई सिर्फ एक जगह होता है हमेशा। सर मेरे को डर लग गया सर। दो जगह फोकस कर रहा है ख्याल से। यू मस्ट विजिट द ये अपना ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट आई डॉक्टर। ऑलराइट गाइस चलो कम ओके सॉरी। चलो और मस्ती बहुत हो गई यार, श्रेयस के साथ में ज्यादा मस्ती करता हूँ ये बात सही है। ऑलराइट नाउ सेम बेस मल्टीप्लिकेशन, आई थिंक इट्स वेरी इजी। बेस सेम है पावर अलग अलग है या सेम भी है? दोनों पावर सेम भी होंगी तब भी। सपोज करो अगर मेरे को किसी ने बोला देखो सेम बेस प्रेजेंटेशन, वेरी गुड वेरी गुड, सेम बेस, सेम बेस एंड मल्टी। वेदांत ध्यान देना इस बात पे, चाहे बेस टू पावर रेज टू थ्री है एंड इनटू दूसरा भी टू रेज टू पावर थ्री है, चाहे थ्री हो फोर हो कुछ भी हो, टू रेज टू पावर बेस पावर विल एड। यस टू रेज टू पावर सिक्स इज द आंसर। एंड विद दिस आई कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट सर कल मैंने ऐसे बहुत सारे किए थे 3+3 सर। जो लोग ऐसा सोचते होंगे ना कि अच्छा जहां पे इनटू होना है तो वो कर देंगे 4^9। हाँ वो गलती नहीं करना प्लीज, वो पावर की पावर होगी। अब आएंगे उस पे भी। सिक्स पावर की पावर सेम बेस डीवी सब्ट्रैक्ट पावर्स कम कर दो उसकी पावर को। सो ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ओमर एम माइनस एन। ओमर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं देखना, ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम माइनस एन। अच्छा कोई मेरे को बोल दे ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एम क्या आएगा आंसर? अरे एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर तो 1 ही आएगा। नियति को थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो गया, उसने 1 यहाँ जीरो यहाँ था। ओके और लास्ट में लास्ट पॉइंट हमारा क्या था? हमारा लास्ट पॉइंट था कि पावर ऑफ द पावर। हाँ सर मुझे समझ नहीं आया। पावर ऑफ पावर पावर्स विल मल्टीप्लाई, पावर्स मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल ए रेज टू पावर एम और पूरा रेज टू पावर फिर से एन और फिर पूरा रेज टू पावर L N M N O M N चलो K ले लो K ले लो K लो। अब देखना ये सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे A raised to power M into N into K ये हो जाएगा और A raised to power M dot N dot K ये आंसर आएगा। तो एग्जांपल आपको दिया 5 raised to power 3 4 raised to power 2 एंड देन वंस अगेन raised to power 4 तो दिस विल 5 रेज टू पावर 3 इनटू 2 इनटू 4 2 4 जा 8 5 रेज टू 24 ये आएगा इसका आंसर। कितनी पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो ऐड नहीं होती? नहीं ऐड तो नहीं, ये यहां सॉरी यहां हां मल्टी में। ओके सर ओके सर।
समझ। और लास्ट मैंने लास्ट के दो जो बताए थे आपको ध्यान से सुन लो, डिफरेंट बेस सेम पावर, सेम पावर, सेम पावर, व्हाट विल हैपन, पावर कॉमन, कॉमन पावर को इनके ले लो और मल्टीप्लाई कर दो दोनों पावर, टेक पावर आउट एज कॉमन, पावर को बाहर कॉमन ले लो। एग्जांपल एग्जांपल देखो, पहला वाला मल्टी में होगा, मल्टी मल्टी में देखो सेम अलग अलग बेस है, ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम, अलग अलग बेस है, पावर सेम है दोनों की, एम एम तो हो जाएगा ए बी होल पावर एम। दूसरा डीबी में देख लो, नहीं सर आप एक बार नंबर से समझा दो, समझ नहीं आया। फाइव रेज टू पावर टू इंटू सेवन रेज टू पावर टू इज इक्वल टू फाइव इंटू सेवन रेज टू पावर टू, ऐसे हो जाएगा। तो सर आप 5 और 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो भी आंसर है उसको, हाँ अभी पहले 35 हो जाएगा 35। सर अगर ऐसा हो कि बेस भी डिफरेंट हो पावर भी डिफरेंट हो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता, उनकी शादी नहीं हो सकती, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको नॉर्मली। फिर पहले इसको सॉल्व करेंगे 5 5 25, और सपोज करो ये होता 5 रेज टू पावर 3 7 रेज टू पावर 2, तो इनको सिंपलीफाई करना पड़ता फिर पहले। या एक तरीका और है, कॉम्प्लिकेटेड है वो तरीका ये है, 5 को 5 रेज टू पावर ऐसे लिख सकते हैं 3 को, क्योंकि दोनों की पावर ऐड हो जाएगी बाद में, और फिर 7 रेज टू पावर 3 फिर इसको कॉमन लो, वो मतलब नहीं है नॉर्मल नहीं रहने दो, अगर अलग पावर होंगी ना तो मिक्स नहीं होंगी, ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कोई। डीवी ए रेज टू पावर एम अपॉन बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए अपॉन बी होल पावर एम। एग्जांपल 5 रेज टू पावर 2 अपॉन 7 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7 पावर आ गई बाहर। अब मैं कुछ बुक्स निकालने की कोशिश करूंगा, ऐसी बुक्स निकालता हूं जिससे कि थोड़ा सा मजा आए। ओके रेडी, बता लो कौन सी बुक है हमारे पास, किसके पास हो भी ना। यस सर किसी के पास हो सकती है, पर सर के पास ऐसी बुक्स है जिनका नाम तक मैं नहीं पता। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जामिनर्स आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल ओसवाल स्पेशली मंगा रखी है। ओके चलो भैया शुरू करते हैं। सर के पास हर तरीके की बुक होती है, वो इसलिए ना कि आजकल के स्टूडेंट हो गए स्मार्ट, भैया आजकल के बच्चे हो गए स्मार्ट, पापा को बोल के वही बुक मंगा ली जो सर सर यूज करते हैं हमेशा। इनफैक्ट इनफैक्ट ये तुम तो छोड़ो, मेरा ये कल ऐसा हुआ, 10th के स्टूडेंट मेरे, मैंने क्या किया नोट शेयर किए हुए थे उनसे, बड़े अच्छी लेवल की बुक है श्रीजन बोलते उसको, श्रीजन बुक के नोट शेयर किए हुए थे और मैं श्रीजन के एग्जाम्पल्स करवा रहा था, मेरे को रियलाइज हुआ कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल टकाटक आंसर दे रहे हैं, मेरे को अटक गई बात, मैंने कहा बेटा समझ गया मैं, फिर मैंने आज दूसरी बुक निकाली, तो वो तो एक मेरे एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे स्टूडेंट मेरा बेवकूफ ना बना पाए। कर लिए लास्ट क्या वर्ड लिखा है इसमें, प्रपोज सर वही देख रही हूं, प्रपोज। अरे यार अरे किसको डांट पड़ रही है, किसको डांट पड़ रही है, यशस्वी को माइक नहीं अनम्यूट हुआ बेचारी, कहीं भी तुमने क्या कर दिया जाती है सर, यशस्वी का कैमरा भी नहीं ऑन सर, अभी क्या हुआ मम्मा को ना आंटी के पास जाना था, मम्मा का फोन यहाँ पड़ा हुआ था, मम्मा आई और आकर चिल्लाने लगी, फोन लेकर के बैठती है मेरा, ये क्यों करती है, मैं कह रही क्यों चिल्ला रही, तो कह रही फोन क्यों लेकर बैठती है, और मेरे को एकदम से ध्यान आया था कि मेरा माइक अनम्यूट था, तो मैंने उनके हाथ ही बंद किया था, फिर सर ऐसे क्या था, कोई बात एक्चुअल में तो सर मैं तो सर अब तो गई सर, वरना मैं तीस बोल भी नहीं सकती थी। ओके चलो 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 रेडी हो जाओ सब लोग। अरे ऐसी कौन सी बुक दे रहे हो जो डरा रहे हो, नहीं नहीं बुक तो आसान है, डरा तो नहीं रहे, बुक तो आसान है पहले एक्चुअली अभी के डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोगों का मन नहीं खराब हो जाएगा ना, फिर तुम लोगों को मेरे को तो बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं यार, टफ देना फिर बहुत ज्यादा हार्ड,
आई हैव टू सी दैट आई हैव टू टेक यू स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप और फिर अल्ट्रा हार्ड को सर आप एक्सट्रीम हार्ड दे रहा फिर हमें एक्सट्रीम हार्ड और सर उसके बाद आप रेशियल नंबर्स करवा देना प्लीज रेशियल नंबर कौन से होते हैं कैसी रेशियल तो वैसे गलत चीज मानी जाती है इफ यू हैव रेशियल बायस बोलते हैं प्रेजुडिस होता है रेशियल रेशियल बोल रहा हूं ये कौन सी बुक है रेशियल रेशियल सर ने कौन सी वर्कबुक से लिया है ओके भाई चलो शुरू करते हैं अभी यस यस ओके एक एक करके शुरू करते हैं राइट क्वेश्चन नंबर वन यशस्वी नोटबुक चाहिए मेरे को वर्किंग चाहिए क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन प्रेजेंट भी आप रैंडमली ले रहे हो ना सर यस क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन हाँ रैंडमली करूंगा ना पहले अभी शुरुआत तो यहाँ से करती हूँ फाइंड द वैल्यू सर मैं आज ही ये वाले क्वेश्चंस कर रही थी खैर अभी नीचे तो आ रहेंगे जल्दी करो जल्दी सर सेम बुक नहीं पर कहीं आप बुक चेंज कर दो नहीं है इनके पास ये बुक हो ही नहीं सकती सबको ये हटा रहा हूं मैं 3 raised to power 6 की वैल्यू निकालनी थी बस सर 2 सेकंड रुक जाना मैं बस होने वाला मेरा जल्दी कर यार तू ना बहुत टाइम ले बस होने वाला सर सच्ची में बस 2 सेकंड 2 मिनट 3 raised to power 6 जल्दी कर सर मैं डर गई आपने हो गया हो गया जल्दी कर जल्दी कर ऑलराइट आई कैन सी द डन श्रेयांश मैंने डाला ही डी सर तो डाला क्यों है जब पता ही नहीं है कि टाइम से पहले नहीं होगा योग्या फिर मैं ओपन कर दूंगा तो अगर बाकी चीजों में ध्यान देगी तो नहीं सर नहीं दे रही मैं ध्यान आयुष ओके बहुत लोग बचे हुए यार अभी सर ये ध्यान नहीं दे रही क्या वेदांग 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 वेट वेट वेदांग वेट वेदांग वेट ओके वीर का नहीं आया डन अभी तक यशस्वी वर्मा का डन नहीं आया अब तक क्या हो गया भेज दिया मदिहा का डन कहां है मदिहा सिद्धार्थ राघव वेरी गुड डन उमर सर मैं कर रहा हूँ सर मैंने भेज दिया मधिया ने भी भेज दिया सामी ने भेज दिया ओके उमर 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 कहाँ है उमर कहाँ है उमर कहाँ उमर कहाँ आयुष कहाँ है आयुष कहाँ है सर आ गया ओके सर ओपन नहीं अभी सर एक सेकंड रुक जाओ बस एक मिनट रुक जाओ उमर कह रहा है सर बेटा सर रुक जाओ प्लीज 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 सर प्लीज एक सेकंड रुक जाओ सर मैं लेफ्ट एक मिनट सब लोग म्यूट होना उमर 3 raised to power 6 का मतलब है कि 3 को हम 3 से 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 3 into 3 into 3 into 3 ठीक है और उसका वैल्यू निकाल लेंगे उमर समझे कर रहा इसे रुक जा मैं सबको पहले अभी मल्टीप्लाई उमर समझे आपने ना सर सबको आंसर बता दिया आंसर नहीं बताया शायद अब मैं यही कर रहा हूं पोस्ट आंसर क्या कपड़े पे कर लो बात नियति से जितने कपड़े पहनेगा उतनी लेट जाएगी नियति इतना तो कवरिंग करा कर उसकी सर मैं ऐसे करती हूं ताकि स्पॉट ऑफ करने में आसानी हो क्यों दे दिया कहते हैं बहुत गर्मी हो रही है तो कपड़े मत पहनाओ ओए ओए अनुभव ओके गलत है तो सो 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 लेट मी जस्ट चेक कितने किसका करेक्ट आंसर है देख लेते हैं एक बार और ताली किसके लिए बजने वाली है यस सुरेश मनोज का आंसर कहां पे टॉप 5 में है कि नहीं है सर इतना टाइम चाहिए यार इतना टाइम होता है मैंने भी मल्टीप्लाई करने की गलती है या 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 यहां कोई कड़ी थोड़ी बन रही है या पेड़े थोड़ी बन रहे हैं देखेंगे देखेंगे ओके सर प्लीज वर्किंग देख लो अभी मत दिखा पहले से अभी नहीं देख रहा मैं अभी नहीं जब मैं बोलूंगा तब या फिर सर लास्ट में पीडीएफ मांगेंगे कल की तरह हां हो सकता है वेट 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 तो उमर ध्यान दो जिन लोगों से नहीं हो क्वेश्चन ध्यान दो वीर वीर जेटली आपसे हो गया क्वेश्चन कि नहीं तो मैं लाइन भेज रहा हूं ओए वीर जेटली सर एक बार फिर से समझना देखो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 छह बार करना है 1 2 3 4 5 6 तो ये 3 3 जा 9 हो गया ये 3 3 जा 9 हो गया सर मैं 3 3 जा 9 हो गया प्लीज प्लीज ये 9 और 9 9 जा 81
एंड 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्त 729 अभी नहीं ये छोटा सा क्वेश्चन क्या वर्किंग देखो वो तो मैं वैसे चल गया सर फर्स्ट के थर्ड वाले की वर्किंग चाहिए होगी अनुभव शुक्ला करेक्ट श्रेयांश राणा करेक्ट नियति करेक्ट यशस्वी गड़बड़ हो गई योग्या गलत राघव गलत आयुष करेक्ट अरिया करेक्ट सुरेश अभी करेक्ट और हर्षिता करेक्ट गाइस सुनो यार ये बच्चों वाली मिस्टेक कर रहे हो यार थोड़ी मल्टीप्लिकेशन तो साला फोर्थ क्लास में सिखाया जाता है बच्चों को यार मत करो यार प्लीज ऐसे थोड़ा ध्यान दो ओके क्लैपिंग फॉर द पीपल हु हैव गिवन द राइट आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज प्लीज बी रेडी नाउ और मेरे को फास्ट चाहिए अभी वर्किंग योग यार किसी से बात नहीं करनी चीत नहीं करनी वीडियो ऑफ कर चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम हर बार नहीं मिल सकता राइट गो 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 ओके या ओके गाइस प्लीज फोकस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 पार्ट 4 नथिंग मच ऑल यू हैव टू डू इज सी चैट बॉक्स कैन पुट डी वेदांका आ गया बाकी लोग भी जिनका होता रहता है सर आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया नहीं पार्ट 1 क्वेश्चन पार्ट 7 रेज टू पावर 4 ही तो क्वेश्चन है वही है सेम क्वेश्चन है थैंक यू सर आपने मुझसे दूसरा क्वेश्चन कर मैं और क्विज कर रहा था सेम मैं 5 कर रहा था मैं 4 कर रहा था ऑल राइट टाइम अप होने वाला जल्दी सर गलत कर रहा था मैं 7-4 सर प्लीज एक मिनट रुक जाओ मेरा होने ही वाला है बस एक सेकंड ओके सो आई हैव इट डन फ्रॉम वेदांग अनुभव श्रेयांश नियति श्रेयश बाकी लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है यार मदिया का आ गया जोश आया ऋषित जल्दी कर यार ऋषित यार राघव छेती कर लव कर मराठी बोलते लव कर पहले मुंबई में मुंबई हाँ भाई रेडी लास्ट 10 seconds 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.5, 1.25, 1.25, 0, go! अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो पहले क्वेश्चन देख लो अरे अमर पहले क्वेश्चन देखो ये मेरे को एक बंदे की आवाज नहीं सुनाई पड़ी वो है वेदांग मलिक वेदांग मलिक आपको आवाज आ रही मेरी यस सर और वीर जेटली आपको आवाज आ रही मेरी यस सर सोनाक्षी आपको मेरी आवाज आ रही है ओमर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है
यस सर। ओके उमर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर आप पूछ रहे हो ना, तब तक मैं गेट बंद करके आती हूँ, प्लीज लॉक कर। ओके ओके गो। उमर तो क्लास में बोलता क्यों नहीं यार, इतना शर्माएगा तो कैसे काम चलेगा भाई तेरा। उमर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। हाँ बेटा थोड़े जोश में बोल, क्या हो रहा है तेरे को, थोड़े सारे सारे बच्चे एंजॉय करे तो एंजॉय करो। ओके भैया सबसे पहली बात तो कल सिखाया था ये मैंने, वीर वेदांग उमर नियति कहा है अपना यशस्वी और मदीहा, कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर इविन हो तो उसका आंसर आएगा पॉजिटिव, पहली बात। तो बस आपको जैसी कंफर्म हुआ पॉजिटिव तो आपने सिर्फ इतना करना है कि 7 × 7 × 7 × 7 कितना कैसे कैसे करी? सबसे पहले क्या 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 ×
आप पहले डिसाइड कर लो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है? और उसके बाद सर कैलकुलेशन जो करता हूँ 7×7×7 वाली, वो मैं पॉजिटिव में करता हूँ, अगर नेगेटिव होता है नंबर तो फिर मैं उसमें माइनस लगा देता हूँ। अच्छा बाद में, हाँ मतलब मल्टीप्लिकेशन तो आपने वही करनी चाहिए। तो मैंने वो अभी भेज दिया आपको, मैंने मतलब आपको पर्सनली। सर मैं दिखा चुका हूं। सो 2401 इज द आंसर एंड इट इज प्लस बिकॉज़ द पावर वाज गिवन नंबर। सर सर मेरे से सबसे पहले शिफ्ट दबा, शिफ्ट दबा तो मैं 3 बार एंटर दबाया, देखा कि मेरा एरो ही उधर नहीं था। ऑलराइट एक मिनट एक बार देखते हैं। ओके सबसे पहला इस बार आंसर बड़ा कमाल हो गया, इस बार सबसे पहला आया यशस्वी वर्मा, बहुत अच्छे यशस्वी। सर वर्किंग, सर वर्किंग, सर वर्किंग। सर यशस्वी के पास सब देख रहे थे पहले आप। सर एक बार दिखाओ मेरे को वर्किंग। सर मैं दिखाती हूं, सर मैं दिखाती हूं। अरे पहले नियति हटा, नियति हटा, नियति हटा। अरे तुम यशस्वी थोड़ी हो यार, यशस्वी क्या वर्किंग देखे मुझे। यशस्वी कहाँ हो, कुठे आए तू यशस्वी, तुम कुठे आए, वेर आर यू, किथे है, किथे है मुड़िया, किथे है? अरे पंजाबी हो गई, ग्रैनी खेल रही थी। सर आओ पंजाबी क्यों? यस सर वो ग्रैनी खेल रही थी सर, एक क्लास के बीच में भी, क्लास के बीच में भी खेल रही थी सर, क्लास के बीच वाला। यशस्वी आप आ रहे हो मेरे से बात करने कि मैं निकालूं आपको क्लास से? उसने बोलता है अनुभव मेरे को फोटो खींच के भेजो, सुरेश मनोज दिखाओ यार, नियति ओके डाउन, नियति डाउन। सर अभी यशस्वी आकर चिल्लाएगी सर, आप मुझे बुला रहे हैं। यशस्वी आप कहाँ हो, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे बिल्कुल भी? सॉरी चिल्लाया ना, चिल्लाया ना, देखो यशस्वी कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। वर्किंग कहाँ है, वर्किंग वर्किंग ओके एक मिनट होल्ड कर इसको। -7 × -7 − 7 − 7 × -7 49 × −7 तो माइनस को क्यों लेके घूम रही है जब उसमें लिखा हुआ इवन है, इवन नंबर है, नेगेटिव नंबर का इवन अगर पावर होती तो पॉजिटिव आएगा, वो बार बार क्यों उसको लेके चल रही है? 7 × 7 × 7 × 7 करना था, 3-4 बार मैंने बोर्ड पे किया। आप रिस्पॉन्ड क्या करो यशस्वी, रिस्पॉन्ड क्या करो? ओके वेट 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 वेदांत देख रहा हूँ तो यार अब इजी चीज ओके मदिया डाउन, मदिया डाउन। वेदांग मलिक शो मी योर वर्किंग, यू हैव मेड अ मिस्टेक समवेयर। वेदांग मलिक सर मैं
मैंने वही किया था सर, मैं सर मैं बात को दिखाऊं या लेकिन क्लास के बाद भेज दूं? अच्छा मेरी बात सुनो, सब लोग चुप हो जाओ अभी, सब लोग चुप हो जाओ अभी, मेरी बात सुनो सब लोग चुप, डाउन कर दो। देखो यार, जो भी बंदा माइनस को लेके चिपका के चलता रहेगा ना, उसकी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये देख लो कि माइनस नंबर है तो पावर ऑड है कि इवन है, पहले डिसाइड कर लो। ऑड है तो नेगेटिव साइन लगा दो और और उसके बाद नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन 7 × 7 × 7, फिर नेगेटिव को भूल जाओ, ध्यान रखना ये रूल है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है? फोटो खींच के भेजो, फोटो खींच के अच्छा क्लास के बाद भेजना, फिर क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर टू, यू हैव टू टेल मी विच नंबर इज ग्रेटर। ओके नाउ आई एम से सर, क्या हम ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन लगा सकते हैं प्लीज? तहरो फर्स्ट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, देन यू विल कम टू नो। ओके ओके सर, एक बार आप बता दो क्या था सर प्रेजेंटेशन, मतलब आई ओके एक एक प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, एक प्रैक्टिस करा, इधर देखो सर एक बार प्रेजेंटेशन तो करते हैं, पहले देख लो इधर देखो क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 2 Which is greater, 2 raised to power 3 or 3 raised to power 2? कोई नहीं, 2 को लिखो, 2 × 2 × 2 कितना हो गया? सर आप कोई और एग्जांपल ले लेते? 3 × 3 9, ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये क्या एग्जांपल है? 5 raised to power 3 और 3 raised to power 4? 5 raised to power 3 और 3 raised to power 4? सर ये क्वेश्चंस में से है। 5 × 5 × 5 3 × 3 × 3 × 3 ओके ये हो गया 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 कितना हुआ? 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 81 पता है भैया, दिस इज दिस वन नंबर इज ग्रेटर। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं बता रहा हूँ। ओके सो आई विल नाउ, अभी प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही लिख दूंगा ना। ओके सर, ओके सर, अगली बार ये मत करना 1.5 और यस सर, आधे बच्चे तो कंफ्यूज हो गए सर, आपने पिछली बार 2, 2, 1.5, 1 और इतने में अच्छा अच्छा ठीक है, देखेंगे 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 सर, मैंने सॉल्व कर दिया सर। कौन सा पार्ट 2 सर प्लीज सर, क्वेश्चन चेंज कर दो, श्रेयस ऑलरेडी सॉल्व करके बैठा है। हां सर, सारे बच्चे रोज सर, सर जब आपने दूसरी टाइम मैं था, मैंने उसी टाइम सॉल्व कर सर। आप क्या कह रहे हो, पार्ट 2 करना है? अरे हां भाई, सर क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं सर, इज चेंजिंग द क्वेश्चन, पार्ट 1 करना है ना, 2 to the power 6 or 6 to the power 2 है ना? यार श्रेयस रुक जा, क्या हो गया? चैट बॉक्स सर एक सेकंड रुक जा, सर पावर 1 है पावर 2 है सर, 6 की पावर 1 है या 2 है? 6 की पावर 1 है क्योंकि सर आपने उसमें दिखा दिया सर, 2 सर ये दोनों को मैंने चेंज कर दिया है भेजो लाइन से पहले था, आया लाइन के बाद है। सर आप वर्किंग देखोगे ना? अभी हो
ओपन मत करना। हाँ हाँ वर्किंग अभी नहीं देखूंगा मैं, लेकिन मैं मेरे को पीडीएफ चाहिए उसके। सर मैं डी टाइप कर रही हूँ बट आंसर अभी टाइप कर रही हूँ। जल्दी करो यार, जल्दी करो यार, बहुत कुछ काम कराना है तो इतना हो नहीं पा रहा। बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। अनुभव शुक्ला करेक्ट आंसर, ऋषित राघव करेक्ट, यशस्वी करेक्ट। 64 नहीं लिखना था, 2 raised to power 6 लिखना था। दिनेश मनोज करेक्ट करेक्ट। सर मेरा जा नहीं रहा है ठीक से, आंसर पता नहीं क्या हो गया है। okay, मैंने ना सर शिफ्ट करके दबाया था ताकि पावर वाले में 2 आ जाए, बट वो ओ आ गया, आई मीन सॉरी 6 आ गया बट ओ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 पढ़ सकते हो आप? हां जी सर, पार्ट 6 यस। इन 10 रेज़ टू पावर 6 द एक्सपोनेंट इज डैश। आंसर लिखो गाइस जल्दी, आंसर सीधा आंसर चाहिए मेरे को, सीधा आंसर। ओए सैटरडे संडे रिवीजन होगा इसका। देखो जब तुम लोगों को मैंने क्लास में बताया था उस दिन, मैंने क्या बोला था? ओनली वन पर्सन आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर, दैट इज नियति चौधरी। सर मुझे लगा सर वेदांग की वो उसकी लाइन आई थी तो मैं डर गई, आप कंसीडर करोगे या नहीं? ओके दोस्तों मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कि लिखा क्या है क्वेश्चन के अंदर यार, ये तो देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 raised to power 6 इन 10 raised to power 6 एक्सपोनेंट इज, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? पावर को ही तो एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर यार सर, पावर को से बट आप उसको बुलाते सर की पावर इस मांगोगे पर नहीं। गलती। अच्छा एक बात सुनो, मेरे को एक बात सुनो, एक बात मेरी सुनो, क्वेश्चन नंबर 12 सब लोग देख लो और मुझे आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 12 मतलब पार्ट 12 गो 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 आंसर लाइन भेज रहा हूं, जल्दी आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। यस पार्ट 12 एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। डायरेक्ट आंसर दो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? सर वर्किंग, दोनों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? सर वर्किंग नहीं सही है ना? नहीं वर्किंग अभी नहीं चाहिए। ओके सर, यस सर। भाई साहब जल्दी 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 जल्दी, उमर 256 कैसे आएगा? 8 की पावर 4 times 5 times करूं कि 4 की times 4 power? सर आप, सर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। इतनी बार कैसे आया 8 power 5? अच्छा ठीक है, देखो सब लोग इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। यशस्वी तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, ये चल पड़ती है, जो इसको लगता है बंदा ठीक है उसके पीछे आंख मूंद के चल पड़ती है, सोचती नहीं समझती। अच्छा मुझे बताओ 256 था, दो ऑप्शन दिए थे 8 raised to power 5 and 4 raised to power 4। 8 raised to power 5 देखो 8 into 8 into 8 into 8 into 8 8 8 64 एंड इंटू 64 इंटू, ये कहां पहुंच जाएगा यार, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 4 को देखो 4 into 4 into 4 into 4। पहले 4 से चेक किया तब पता चला कि अच्छा ये तो है ही नहीं, तो ये 4 जा 16 16 4 जा 64 16 4 64 4 जा 256 मतलब आंख के अंधे नाम नैन सुख, आंख के अंधे नाम नैन सुख हिंदी में कहावत है ये, गाली है सर बंदा। हां नहीं नहीं क्या है यार तो सबको अपनी तरह समझता है, गाली लगती है। हाँ ये तो तुम भाई साहब तुम अपने दिमाग की क्लीनिंग कराओ, ये बड़ी अच्छी दुकान खुली है ड्राई क्लीनिंग की AWHO में, क्लीन कराओ तुम्हारा अपना दिमाग। ओके तो देखो इसका नाम है आंख के अंधे नाम नैन सुख, यानी कि नाम बंदे का नैन सुख है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता उसको, तो बंदा दुनिया चल पड़ी लेके 8 raised to 5 8 raised to 5 सब पीछे पीछे भाग रहे उसके 8 raised to 5। एक बंदे ने क्या डाला, सब दबा दो पीछे ना भाग। अबे मैं पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैंने अपना खुद सॉल्व करके
देखो वेदांग मलिक का आंसर आया, पता नहीं मेरे ताली बजाने के बाद आया कि कब आया, लेकिन 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 सर बताने क्या है, लेकिन सर मैं सबसे कैलकुलेशन कर रहा था। ऑल राइट सोनाक्षी, वेदांग एंड नियति, थ्री पीपल, आई एम गोइंग टू क्लैप। दोस्तों सर कैसे नियति का कैसे, मेरा कैसे, नियति ने आंसर भेजा था, करेक्ट आंसर भेजा था सर, कहां भेजा था, अरे एट पावर फाइव, नियति की, नियति की ताली वापस, नियति की ताली वापस, एक तो प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है, अगले दो दिन मैं मैम को बोलता हूँ, वो प्रैक्टिस कराएंगी। और इंसिडेंटली एज यू गाइस अवेयर, टीचर्स डे इज माय बर्थडे, I am releasing a podcast. I have been interviewed by a podcaster. He is quite well known. I'll release the podcast on fifth morning. I'll put it on the channel and put it in the groups also. Or do watch it. It's the story of my life and how what I think about my students. Sir, दो वीडियो डाल चुके हो, एक तो गुरु मंत्र वाली और why we made the studio. गुरु मंत्र वाली अच्छी है, सब लोग देखना, सबके काम आएगी गुरु मंत्र वाली, ठीक है। And ये तो पॉडकास्ट है, दिस इज नॉट अ वीडियो, इट्स अ पॉडकास्ट, यू नो पॉडकास्ट में सबको पता क्या होता है, yes, okay. सर, पता है। तो देख लेना और चलो ये क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट मैसेज, अच्छा ये तो तुम्हारा तो शॉर्ट में है, तुम्हारा शॉर्ट में मैंने मैसेज डाला वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलो बाय 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 ब